हरे कृष्णा। पांडव निर्जला एकादशी यानी वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से प्रमुख और सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी। इसके विषय में पद्म पुराण हमें प्रमाण देते हुए कहता है, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति हि तासां फलम अवाप्नोति पुत्रमेनात्र संशयः। इस श्लोक में श्लव्यास देव जी पांडु पुत्र भीम से कहते हैं, हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती हैं उन सबका फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है और उसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन श्री व्यास देव ने भीमसेन से ऐसा क्यों कहा? तो चलिए इस कथा के उद्भव मूल को ढूंढते हुए हम चलते हैं द्वापर युग के उस समय में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की छत्रछाया में सभी पांडव इस पृथ्वी पर विहार कर रहे थे। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के मन में आज चिंता की लकीरों ने जन्म लिया था, जो अपनी गदा के एक प्रहार से संपूर्ण धरा को कंपायमान करने की क्षमता रखते थे। ऐसे भीमसेन के मन में आज कंपन हो रहा था, लेकिन क्यों? उसका कारण सिर्फ एक था, और अपने हृदय के इसी बोझ से मुक्ति पाने के लिए वे जाते हैं अपने पितामह श्रील वेद व्यास जी के पास। आश्रम में जाकर उन्होंने व्यासदेव को प्रणाम किया और व्यासदेव भी उनके कांतिहीन मुख को देखकर समझ गए कि आज भीम के मन में कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक भीम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आओ पुत्र, क्या बात है? सहस्र हाथियों का बल धारण करने वाले मेरे इस पुत्र के मुख पर आज चिंता की लकीरें कैसे आई है? बताओ, क्या बात है? श्री व्यास देव के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर भीमसेन बिखर गए। उन्होंने एक बच्चे की भांति लाचार स्वर में व्यास देव से कहा, हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का नियम पूर्वक पालन करते हैं। भ्राता श्री युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत को रखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो मुझे ये व्रत करना होगा। लेकिन इतना कहकर भीम फिर से कुछ विचार मग्न हो गए, इसलिए व्यास देव जी ने कहा, लेकिन क्या भीम, वे सच ही तो कह रहे हैं। शास्त्रों का भी कथन यही है कि जो व्यक्ति मास में आने वाली शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करता है वह स्वर्ग के स्थान पर नरक में जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए, इसमें संशय कहाँ है? ये सुनकर भीम ने कहा, नहीं नहीं पितामह, नहीं, शास्त्रों के कथन में कोई संशय नहीं है, लेकिन मेरी समस्या यही है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। एकादशी में संपूर्ण दिन तो क्या मैं एक क्षण भी कुछ खाए पिए बिना नहीं रह सकता। आप तो जानते ही हैं मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे दिन में कई बार कितनी अधिक मात्रा में भोजन करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मैं एकादशी व्रत करके भूखे रहने के विषय में तो सोच भी नहीं सकता, और वो भी मास में दो बार। नहीं नहीं पितामह, ये मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्ष में एक दिन उपवास रख सकता हूँ, लेकिन इससे अधिक नहीं हो पाएगा मुझसे। इसलिए कृपया आप मुझे ऐसा कोई व्रत, तप या दान के विषय में बताइए जिसका सिर्फ एक बार पालन करके मुझे वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का फल मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यास देव अपने पुत्र की निर्दोषता पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ चुका हूँ, इसलिए अब ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक विशेष एकादशी तिथि आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का वर्ष में सिर्फ एक बार पालन करने से व्यक्ति को संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का भी फल मिल जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसे एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं स्वीकार करनी होती। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के विषय में बताता हूँ, सुनो। इस निर्जला एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। जो निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समय भयभीत यमदूत नहीं
अपितु सुंदर विष्णु दूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गोदान या गौ सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे ये पाप सुमेरु या मंदार पर्वत जितने विशाल ही क्यों ना हो। यही इस एकादशी की महानता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पालन करने की विधि सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस दिन अन्य कोई धार्मिक विधि ना भी करें तो चलेगा, लेकिन इन मुख्य तीन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की जल, पुष्प, इत्र और दीपक से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्ति का उपहार प्रदान करें। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ भी अर्पित करने के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपालु हों। इतना कहकर उस जल के पात्र को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे दें। और इस प्रकार श्रील व्यास देव ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और व्रत विधि के विषय में ज्ञान दिया। जब सभी पांडवों ने निर्जला एकादशी की महिमा के विषय में सुना तो उन सभी ने इस एकादशी का कठोरता पूर्वक और भक्ति भाव से पालन किया और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, पुण्य कार्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह सब अक्षय हो जाता है और उससे अर्जित पुण्यफल का कभी नाश नहीं होता। तो ये थी पांडव निर्जला एकादशी व्रत की कथा। इस कथा का श्रवण और पठन करने से भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं।